नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत में लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ी समस्या कोई निकलकर सामने आई तो वो थी प्रवासी लोगों का पलायन। लगातार ऐसे राज्यों से मजदूरों का पलायन या लोगों का पलायन हमने देखा है जहां जो औद्योगिक नगर थे, और इसमें सबसे ज़्यादा पलायन मुंबई से दिखा है। महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा पलायन दिख रहा है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में अभी भी हजारों की तादाद में लोग स्टेशन के बाहर बैठे रहते हैं ट्रेनों के इंतजार में, जबकि ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र की सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन दोनों के बीच काफ़ी तनातनी भी है। जबकि जो पीयूष गोयल हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमने पूरी संख्या में ट्रेन मुहैया कराए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उसे चला नहीं रही है। जबकि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि उनके पास जैसे जैसे लिस्ट आती जाएगी वो लोगों को चलाएंगे, लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अभी भी महाराष्ट्र में लगातार पलायन जारी है, जबकि लॉकडाउन 4 में बहुत सारे औद्योगिक गतिविधियों को छूट दे दी गई। ऐसे में सवाल भी ये भी उठता है कि आखिर इतने सारे लोग अभी भी आने के लिए तैयार हैं तो इनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है महाराष्ट्र सरकार, और जिस तरीके से ये स्टेशन के बाहर या हाईवे पर हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होता, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ भी सकते हैं। जबकि अगर आप योगी आदित्यनाथ की बाइट को सुने तो योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कहा था कि उनके यहाँ के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो भी प्रवासी मुंबई से आ रहे हैं उनमें से 75% लोग बीमार हो जा रहे हैं। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25-30% ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें व्यापक संक्रमण है। तो हमारे लिए एक चैलेंज इस समय बना हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। 75,000 से अधिक हमारी मेडिकल टीमें काम कर रही हैं इस समय प्रदेश में, जो केवल स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। और ये मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की जो कार्रवाई चल रही है प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स में, आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने काफी हद तक इसको कंट्रोल। ऐसे में महाराष्ट्र में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक ये मजदूर या प्रवासी जो स्टेशन के बाहर यूं ही भीड़ लगाकर बैठे हुए, इन्हें इनके गृह राज्य कब पहुंचाया जाएगा, महाराष्ट्र सरकार क्या इंतजाम कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार इनके लिए क्या कर रही है, बड़ा सवाल ये है। लेकिन अभी भी भीड़ यूं ही स्टेशन के बाहर बनी हुई है।